शरद ऋतु का समय आ गया। देखिए मिसेस शर्मा क्या तैयारी कर रही हैं। कैसे लगे तुम्हें केक्स? ये केक बहुत ही स्वादिष्ट है। इतने पसंद आए हैं तो तुम और ले लो। मैंने ये बहुत सारे बनाए हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी खिला सकती हो। थैंक यू मम्मी। कोई बात नहीं, संभल कर जाना। रिंकी, बबली, कैसी हो? मेरी मम्मी ने कुछ केक बनाए हैं फेस्टिवल के लिए। ये तुम्हारे लिए। हैप्पी फेस्टिवल। शुक्रिया। अभी मुझे जाना होगा। बाय बाय बबली। बबली, तुम्हारे पास टोकरी में क्या है? मून केक्स। मून के केक्स? दूध के केक्स तो मुझे बहुत पसंद है। बड़े आराम से। ये लो पानी। पिछले साल के केक याद है? इसने तुम्हारा भी खा लिया था और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला था। हाँ, ये सच है। ये स्कूल पार्टी के समय हुआ था। हाँ, और हमने बाद में बहुत सारी तस्वीरें भी ली थी। मुझे लगता है हमने उन्हें एक डब्बे में डाल दिया था। मुझे देर हो रही है, मुझे और भी केक्स बांटने हैं। फिर मिलते हैं। शुक्रिया बबली। ला ला ला। हाँ मिस्टर बंता। मिस्टर बंता। मिस्टर बंता। हाँ मिस्टर बंता। हाँ? आप दुखी क्यों नजर आ रहे हो? हेलो बबली। ओह मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। मेरी मम्मी ने मून केक्स बनाए हैं। हैप्पी फेस्टिवल मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। हाँ? ये आपके लिए है, ये लीजिए। शरद ऋतु का समारोह। शुक्रिया बबली, अपनी मम्मी को भी शुक्रिया कहना। तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं तुम्हें कुछ ताजे फल दूंगा। अरे नहीं, अभी नहीं, मुझे और भी केक्स बांटने हैं। हम बाद में मिलते हैं। अरे ला 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 ला। हाँ अरे मैं बास्केट भूल गई। हाँ इस बार मेरे लिए एक भी चिट्ठी नहीं आई। और ये हो गया। बबली। हाँ बबली क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ मिस्टर बंता के बारे में सोच रही हूँ। मिस्टर बंता को क्या हुआ? कल जब मैं उन्हें केक देने गई थी, वो एक बॉक्स को देखकर बहुत उदास हो रहे थे। हाँ क्या तुमने देखा नहीं वो कैसा बॉक्स था जिससे वो दुखी हो रहे थे? मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या था उसमें। चलो वहाँ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। ओ नहीं, ऐसा करने से उन्हें बुरा लग सकता है, शायद वो हमें नहीं बताना चाहते हो तो। हाँ अब क्या करे। वो क्यों अपसेट थे? बबली, रिंकी। हाँ, हाँ। हमने पूरा दिन ढूंढा फिर ये मिल गई। ये तस्वीरें हैं। वाह क्या ये याद है? उसे मत दिखाओ। बबली मेरे पास एक आइडिया है। अगर मिस्टर बंता एक बॉक्स देकर दुखी हो सकते हैं, तो हम उन्हें दे सकते हैं एक खुशी का बॉक्स। और हमें ये ढूंढना होगा कि उन्हें क्या अच्छा लग सकता है और उस चीज को हम बॉक्स में डाल कर देंगे। हमें जरूरी काम याद आ गया है। बाय। मिस्टर बंता। मिस्टर बंता। मिस्टर बंता आपको क्या चीज पसंद है? मैं तुम जैसे बच्चों के साथ काम करना पसंद करता हूँ। रुको मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। बबली हम बड़े हैं। हाँ? हम डब्बे में कैसे आ सकते हैं? ये लो कुछ सूखे मेवे हैं। वाह। अब मुझे माफ करना, तुम इसे खा कर देखो। तुम दोनों बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे हो। तुम दोनों भी जल्दी बड़े हो जाओगे। एक दिन बड़े और छोटे ने मुझे कुछ शहद दिया था, लेकिन रास्ते में बड़े ने खा लिया था। फिर छोटे ने मुझे ये जार दिया और शहर लाना घर चला गया। ओह, और एक दिन एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा था,
मुझे याद है वो लल्लू था, उसने अपने खुद की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई थी और फिर एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है। सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, अगर हमारे आने से आपको खुशी मिलती है तो हम आपके पास हमेशा आया करेंगे। ठीक है। उन्होंने हमें ये बताया, मुझे लगता है कि हमें उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। हमें कुछ फोटोज भी लेने चाहिए और फिर उन्हें तोहफे में देने चाहिए। हाँ हाँ, फोटो ऐसे होनी चाहिए जिसमें हम सब साथ हो, वो हमारी फोटो देखकर खुश हो जाया करेंगे। और वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता? मिस्टर बंदर, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भुट्टे लेने जा रहा हूँ। क्या हम भी साथ चलें मदद के लिए? हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। मुड़ते हैं इस तरफ, मेरे पीछे आओ। हेलो बबली, इस बॉक्स में क्या है? ये आपके लिए है, खोल कर देखिए तो। उस दिन मैंने देखा कि आप उस बॉक्स को देखकर दुखी हो रहे थे, तो हम सबने मिलकर ये बॉक्स बनाया जिसको देखकर आपको खुशी मिले। मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बबली। मेरे पोते ने मुझे ये खिलौना दिया था जब मैं आखिरी बार उससे मिला था, लेकिन मेरा बेटा बहुत बिजी है, मुझे नहीं लगता इस साल वो आ पाएंगे यहाँ। मिस्टर बंता, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? हम सब मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, मैं आऊँगा। वो बहुत बढ़िया, मैं अभी जाती हूँ, हम फिर मिलते हैं। जल्दी मिलेंगे। ठीक है। चांद कितना खूबसूरत है, सही कहा ना? पिताजी, मम्मी, मिस्टर बंता, ये लीजिए, हैप्पी फेस्टिवल। शुक्रिया। आओ। क्या ये सच है, जो मुराद मांगो वो आज पूरी होती है? सही है? हाँ मैंने भी सुना है। तो चलिए आज आजमा लेते हैं। ठीक है, आंखें बंद कीजिए कुछ मिनट के लिए। ठीक है। क्या मैं आंखें खोलूं? नहीं अभी नहीं, थोड़ा रुकिए ना। पिताजी हम आ गए। पिताजी हैप्पी फेस्टिवल। आखिरकार तुम आ गए। मैंने आपको बहुत याद किया। तुम बड़े हो गए हो, यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ हो। पिताजी कैसे हो? यकीन नहीं होता, सपना पूरा हो गया। मम्मी, मैंने कल दिखाया। बबली तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। दादाजी मुझे गोद में लीजिए ना। जैसा तुम चाहो मेरे बच्चे। इस दुनिया में अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों का स्कूल जाने का समय है। ये क्या, बड़े अब तक बिस्तर पर क्यों हैं? बड़े
स्कूल जाने का समय हो गया। बड़े तुमने अब तक नाश्ता नहीं किया? छोटे मम्मी क्या बड़े उठ गया? हाँ बड़े अभी अभी गया, उसने नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, क्या वो मेरे बिना ही चला गया? हाँ? एक मिनट रुको, ये सेब ले जाओ और उसे भी खिला देना। ठीक है, बाय मम्मी। बाय बाय। बड़े, बड़े, छोटे, मुझे लगा तुम पहले ही चले गए। ये लो, बारी ले लो। थोड़ा नाश्ता कर लो। तुम बहुत प्यासे लग रहे हो। वाह, वो लोग कुछ खेल रहे हैं। चलो हम भी जाकर खेलें। ठीक है, ड्रॉ द पिक्चर नाम का एक गेम खेलते हैं। कौन कौन खेलेगा? क्या खेल रहे हैं? मन्ना तुम पहचानो और लल्लू तुम एक्शन करो। अच्छा है? याद रखना बोलना कुछ भी नहीं है। मन्ना चीटिंग मत करो। हाँ तैयार हो? हाँ चलो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो। बेशक बड़े छोटे तुम क्यों नहीं ट्राई करते? तुम कर सकते हो, तुम दोनों भी तो भाई हो, बड़ा मजा आएगा। हाँ तो चलो फिर कोशिश करेंगे। तुम इसे पकड़ लो। ये तो कोई चीज है। चलो शुरू करते हैं। मुझे ध्यान से देखो। मधुमक्खी का छत्ता। राक्षस का शिकार। शहद का ढूंढना। छोटे हाँ, स्कूल के बाद कुछ मजेदार करते हैं, क्या तुम तैयार हो? ठीक है। क्या ये मेरी पेंसिल? बड़े मुझे तुम्हारा रबर चाहिए। ओ,
लगा ले जाए। राजकुमार लल्लू, मैं आपकी टीम में रहना चाहता हूँ। छोड़े, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ठीक है। फिनिशिंग लाइन नदी के किनारे है, जिसने पहले उसे छुआ वो जीत जाएगा। तैयार हो? चलो। ये रेस मैं ही जीतने वाला हूँ। तुम्हारे सपनों में जीत सिर्फ मेरी होगी। राजकुमार लल्लू, मेरे लिए रुकिए। मैं बहुत थक गया। इस रास्ते पर मैं आसानी से भाग सकता हूँ, और तुम? हाँ, मैं भी। हाँ, अरे रुको, मुन्ना और बड़े कहाँ है? वो शायद पीछे ही रह गए हैं। जीतने के बाद मिलता हूँ छोटे। ये रास्ता बहुत कठिन है, बड़े नहीं कर पाएगा। हाँ, मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए, अगर वो थक जाएगा तो वो सेब खा लेगा। वो कौन से रास्ते से गए? इस रास्ते में कितने सारे सेब के पेड़ हैं। राजकुमार लल्लू बहुत बहादुर है, इसलिए उन्होंने कठिन रास्ता चुना। छोटे भी बहादुर है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। बड़े कहाँ है? वो हमेशा ही ऐसा करता है। छोटे। पिंकी, मंगू, क्या तुमने बड़े को देखा? वो दूसरे रास्ते से मन्ना के साथ चला गया। क्या? कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। उसे एक ही काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं करता। वो रास्ता बहुत कठिन है, क्या वो ठीक होगा? हमें वहाँ पहुँच नहीं होगा। बड़े, जल्दी चलो। मैं बहुत थक गया हूँ। छोटे, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। यहू, देखा, मैं फर्स्ट आ गया। राजकुमार लल्लू, आप जीत गए। हम हार गए। बड़े किधर रह गया? छोटे, कठिन रास्ता क्यों चुना? देखो तुम्हें लग गई। तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए मुझे लगा तुम यहाँ से गए। तुम बहुत ताकतवर भी हो, इसलिए मुझे लगा तुम कर लोगे। बहुत दुख रहा है। तुमने वो रास्ता क्यों नहीं चुना? क्योंकि वहाँ सेब के पेड़ नहीं थे, मुझे लगा तुम इस रास्ते से आओगे। सेब? ये लो। शुक्रिया छोटे। बड़े, आज मैं तुम पर गुस्सा हो गया, मुझे लगा तुम बहुत बुद्धू हो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं छोटे, हम दोनों भाई हैं। चलो चलते हैं। हाँ, बड़े छोटे आ गए। छोटे, ऐसा क्यों लग रहा कि मैं विनर बन गया? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ आज अगर हम नहीं जीते? बड़ी अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, है ना बड़े? छोटे सही है।